हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। आज है अहोई अष्टमी का व्रत, और आपने भी रखा होगा और हमने भी रखा है। तो चलिए अब अहोई अष्टमी की सुनते हैं कहानी। भगवान ने ऐसे थ्री सच्ची फोटो बना दी है, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाई है। उसके साथ बेटा और एक बेटी थी, हम्म। तो आगे सत्यम को बोलते सास बोली, जाओ ये तभी मट्टी ले आओ, चूल्हा चौकी करा ना। ननद बोली, माँ मैं भी चल जाया साथी। माँ बोली, जा बेटा तू भी चल जाया साथ। चली गई भाई, भाभी तो अब तो माटी कर लागी खुदाई करने। वह ननद ऊंचे से टिल्ले को ऊपर चढ़ गई, उसके नीचे स्याऊ माता का बच्चा था, तो वह उसको ऊपर चढ़ी, उसके वजन से वह धार टूट गई उसकी। स्याऊ माता का बच्चा दब गया नीचे सारा। स्याऊ माता आई, बोली मेरा बच्चा दाब दिया, मेरा बच्चा दाब दिया, मैं इसने रखूंगी। भाई भाभी बोली, भाई इसने तो कौन रखा, मेरी सास हमने घर ही कौन बढ़न देगी। बोली तो बोली कोख बंधवानी पड़ेगी इसके बदले में। तो भाई बड़ी थी वह तो नाट गई, भाई हम तो कौन बंधवावा कोख। छोटी भाभी जानी कि सास तो नाराज हो जाएगी, भाई इन बोली ननद ने छोड़ दो, मेरी कोख बांध दो। तो भाभी की कोख बांध ली, आ गई घर में। आ गई तो फिर आयो कोख बांध दी, हाँ पेट में था वो मर गया, पानी चलता था वो मर गया, हाँ सात सात पचे लोग हुए, सात बालक हो गए भाभी कहे, और सात में दिन बालक मर जा, ज्यों ही बालक हो गए सात में दिन मर जा। पंडित जी गरीब बुलायो, बोले पंडित जी यह हमारे साथ कोई घटना हो जैसे, वही बालक पैदा हो सर सात में दिन बच्चों मर जा से। बोलियो भैया तरह तरह स्याऊ माता कहे, तारी बहू की कोख पड़ी से, और वह प्रसन्न होगी तो कोख खुल लगी। तो बोले के करियो जा, बोले उसकी सहेली से गौ माता, भाई उसने मनाओ। तो भाई रोज साहूकार की छोटी बहू गौ माता के चारो गाल के आवे, पानी पिला के आवे, उसके नीचे की सफाई करके आवे। गौ माता रोज चर चर के आवे, तो आके देखे भाई तेरी सेवा कौन करस। बोली कल सुबह उठ के मैं देखूंगी भाई मेरी सेवा कौन करस है। देखे तो भाई साहूकार की बहू आवे से, पानी धरे से, चारों डाले से,
और उसके नीचे की सफाई करे से। बोली भाई मैं तेरी सफाई ते प्रसन्न होगी तेरी छह बातें। बोली मान के मांगेगी। बोली गो माता भला वचन वाली मेरा तेरी तेरी सहेली से शाहु माता और उसके मेरी कोख से और वह आप दिवास को सो नहीं वह दे नहीं। बोली ठीक भाई मैंने वचन भर लिया तेरी कोख में दिवाऊंगी। तो भाई वह शाहु माता सात समुंदर पार है। बोलिया कि चलना काली। बोली ठीक से तो आज ही आ गई भाई दूसरे दिन चल पड़ी चल दी थकी आ गई एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। बोली भाई बहुत दूर बोली पूरे छाया में कर लियो वो माता रेस्ट एक बार बाद में चलना। भाई उड़े एक गरुड़ पंखनी का बच्चा पेड़ का ऊपर और उनका दौरा सांप टूलन लाग रहे। बोलियो ऊपर न देखन लागी साहूकार के बहु देख तो भाई सांप तो बच्चा न खा गो उसने उन सांप ने तो डाल कर नीचे दाब लियो उसका बच्चा बचा दिया। तो वह डाल खून तो लथपथ होगी। गरुड़ पंखनी आई चोंच मारन लागी साहूकार के बेटे के बहु पे। बोली मैं कोनी मारा मैं कोनी मैं तो तेरा बच्चा बचाया और उसने सांप ते। बोली मांगो भाई तुम जो भी मांगोगी तुमने मेरा बच्चा बचाया से वो ही कर दूंगी मैं। तो बोली हमने सात समुंदर पार छोड़िया। तो भाई दोनों उसकी पीठ के ऊपर बैठ ली और सात समुंदर पार लेगी उसने जित छा वो माता रहा कर दी। बोली आज सहेली बहुत दिन आई बहुत दर्शन दिया। बोली आई बोली कई दिन में आई से मेरे तो सिर में जू पड़ गई। बोली साहूकार को बेटे की बोने बोली तू इसका सलाई काट दे मामी इतने बात कर लिया सा सलाई काटी उसका आराम हो गयो चैन हो। बोली भाई मैं वचन बंद सू मांग ले तू भाई बेटा की मांगनो चाहस तो पाप पकड़ की बैठ गई। बोली मेरी तो माता आपका कोख बंदी पड़ी से और मेरी कोख खोल दे। बोली तन तो मन तो ठग ली तन तेरा बच्चा देखा मेरा बच्चा को नहीं देखा ये माता मन तो बेरो कौन तो मैं तो नणद का बदला में कोख दई थी और भाई श्याव माता ने साहूकार का बेटा ही कब की कोख खोली सी सैर की खोली। बिंदाई महाराज की कहानी। एक बुढ़िया थी उसका सात बेटा था। तो वह रोजाना नित दिन भाई उनकी बिंदाई महाराज की पूजा करया करती। तो भाई बिंदाई महाराज एक दिन गली में चक्री लगावे तो वो चमचिन दूध ले रहे और चूटी चावल ले रहे कोई मेरी खीर बनावे कोई मेरी खीर बनावे। तो भाई सब अड़ोसन पड़ोसन सब बोली मना दो खीर। बोली हमने कोनी टाइम हमने कोनी टाइम न्यू कह की कोई मना कर दे कोई गेट बंद कर ले तो किसने उसकी खीर कोनी मना के दे। बुढ़िया का गरीब पूछ गयो बोले बुढ़िया खीर मना दे। बोले लियाओ महाराज मना दूंगी। बोलो न्यू कतरा दू लिया टोकनो लिया परात लिया। भाई टोकने में वह चमची दूध की गाली टोकनो दूध को भर गयो परात में दो दाना चावला का गिरा परात चावला की भर गई। बुढ़ती ने खीर धर दी मणगी खीर। बोले तू मना ले बुढ़िया मैं इतना नाया हूँ सू। बोले नाया महाराज आओगा इतना भोजन तैयार मिलेगा आपने। भाई वो बिंदाई महाराज तो नहाने चले गयो। बुढ़ती ने खीर मना दी रसोई तैयार कर दी। बेटा आया माँ हाँ बोली भूख लाग रही से आ जाओ बेटा खानो तैयार से। भाई बेटा का गाल दी बहू बोली माँ मारे भी गाल दो। बोली आ जाओ भाई तुम भी खा लो बहुआ रोटी गाल दी बहू खान लगी। बुढ़ती ने सोची कि बिंदाई महाराज आओ बोले कई देर लगा दी ले तू भी पल्ला की ओट में होगी तू भी खा ले। बोलो खान लगी बिंदाई महाराज आ गया। बुढ़ती जार बोले आ जाओ महाराज जी मिलो। बोले तेरा बेटा साथ जी मिलो तेरे साथ तेरे बहुआ साथ जी मिलो तेरे साथ जी की प्रसन्न हो गयो। सब क्या इकट्ठा अठ बाट कर दिया सब क्या इनका धन भंडार का भर दिया चल पड़े बिंदाई महाराज।
बोलियो अड़ोसन पड़ोसन बोल कहन लगी बिंदायक जी मारो सारो अंधन सारो गुटलती का गेत दियो। बोलियो ना भाई आ करियो का आ होगी ना करियो का ना होगी। तो बिंदायक महाराज बुटलती ने ठुठियो इस सर ने कहो कहानी प्रियो कहानी राजा को रानी को राज सुजो दा कता का मारो कार देख ले भाई।